नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि न्यूरेक्टिन P75 कैप्सूल का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, न्यूरेक्टिन P75 कैप्सूल को कैसे लेना चाहिए और न्यूरेक्टिन पी कैप्सूल की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि न्यूरेक्टिन पी कैप्सूल को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। न्यूरेक्टिन पी एक ब्रांड नेम है। न्यूरेक्टिन पी कैप्सूल के अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। न्यूरेक्टिन पी कैप्सूल के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन प्रेगाबेलिन 75 mg और मिथाइल कोबालामिन 750 माइक्रोग्राम होता है। न्यूरेक्टिन पी कैप्सूल का उपयोग न्यूरोपैथिक दर्द को ठीक करने के लिए किया जाता है। न्यूरोपैथिक दर्द का मतलब होता है नसों का दर्द। न्यूरोपैथिक दर्द होने पर बहुत तेज दर्द होना, जलन होना, सुइयां चुभने जैसी संवेदना होना, हाथों व पैरों का सुन्न पड़ जाना, मांसपेशियों में कमजोरी होना और बिजली के करंट की तरह झटके के साथ दर्द होना आदि लक्षण न्यूरोपैथिक दर्द होने पर हो सकते हैं। डायबिटीज होने पर, शराब का अधिक सेवन करने पर, शरीर में विटामिन B12 की कमी होने पर, शरीर में कमजोरी होने पर, शरीर में खून की कमी होने पर और रीढ़ की हड्डी से संबंधित कोई समस्या होने पर न्यूरोपैथिक दर्द होने का जोखिम अधिक हो जाता है। इसके अलावा फाइब्रोमायल्जिया होने पर भी न्यूरेक्टिन पी कैप्सूल का उपयोग किया जाता है। फाइब्रोमायल्जिया होने पर पूरे शरीर में दर्द होने लग जाता है और शरीर में थकान रहने की समस्या हो सकती है। इसके अलावा न्यूरेक्टिन पी कैप्सूल मिर्गी और दौरों को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। जिन व्यक्तियों को मिर्गी या दौरे आते हैं, ऐसे व्यक्तियों को भी डॉक्टर अन्य दवाओं के साथ न्यूरेक्टिन पी कैप्सूल को लेने की सलाह दे सकते हैं। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में न्यूरेक्टिन पी कैप्सूल की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में न्यूरेक्टिन पी कैप्सूल की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे वजन का बढ़ना, नींद अधिक आना, सिरदर्द होना, सिर चकराना, कब्ज होना, मुंह में सूखापन होना, ध्यान लगाने में परेशानी होना, शरीर में प्लेटलेट काउंट कम होना, हाथों व पैरों में सूजन होना, आंखों से धुंधला दिखाई देना, पसीना अधिक आना और शरीर में थकान होना आदि साइड इफेक्ट्स न्यूरेक्टिन पी कैप्सूल की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि न्यूरेक्टिन पी कैप्सूल को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। न्यूरेक्टिन पी कैप्सूल को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आमतौर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर न्यूरेक्टिन पी कैप्सूल को दिन में 2 बार लेने की सलाह देते हैं। कुछ व्यक्तियों को डॉक्टर न्यूरेक्टिन पी कैप्सूल को दिन में केवल 1 बार भी लेने की सलाह दे सकते हैं। न्यूरेक्टिन पी कैप्सूल को डॉक्टर 2 सप्ताह से लेकर 8 सप्ताह तक लगातार लेने की सलाह दे सकते हैं। न्यूरेक्टिन पी कैप्सूल की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको न्यूरेक्टिन पी कैप्सूल को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि न्यूरेक्टिन पी कैप्सूल को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। लगातार 12 सप्ताह से अधिक न्यूरेक्टिन पी कैप्सूल का सेवन करना रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना न्यूरेक्टिन पी कैप्सूल को 12 सप्ताह से अधिक नहीं लेना चाहिए। न्यूरेक्टिन पी कैप्सूल को लेने के बाद ड्राइविंग और ऐसी मशीनों पर काम नहीं करना चाहिए जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतर्कता की आवश्यकता होती है, क्योंकि न्यूरेक्टिन पी कैप्सूल को लेने के बाद नींद अधिक आ सकती है। न्यूरेक्टिन पी कैप्सूल के साथ शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि न्यूरेक्टिन पी कैप्सूल के साथ शराब का सेवन करने की वजह से नींद आने की समस्या ज्यादा गंभीर हो सकती है, इसलिए न्यूरेक्टिन पी कैप्सूल के साथ शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए न्यूरेक्टिन पी कैप्सूल का सेवन करना सुरक्षित व रिकमेंडेड नहीं है। न्यूरेक्टिन पी कैप्सूल मां के गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है और स्तनपान करा रही महिलाओं में न्यूरेक्टिन पी कैप्सूल मां के दूध के जरिए बच्चे तक पहुंच सकता है और दूध पीने वाले बच्चे में साइड इफेक्ट्स पैदा कर सकता है, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को न्यूरेक्टिन पी कैप्सूल को डॉक्टर
की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका न्यूरेक्टिन पी कैप्सूल से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।